आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि हार्ड लॉक को कैसे ओपन करते हैं। ये एक LG का रिमोट कंट्रोल है जो कि एक VRF यूनिट का है। इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ये इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ना ही इसका फैन मोड ऑपरेट कर रहा है, ना ही इसके कोई भी बटन काम कर रहे हैं। किसी भी बटन को आप प्रेस करेंगे HL लिखा हुआ आएगा। HL का मीनिंग है हार्ड लॉक। आप देख सकते हैं कोई भी बटन को हम प्रेस करके देखेंगे ये ओपन नहीं होगा। हम जितना भी कोशिश कर लें ये नहीं होगा। एक और आता है इसमें चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक के लिए हम सेटिंग के बटन को प्रेस करते हैं और एक लोगो डिस्प्ले होता है हमारे स्क्रीन पे, देन ओके क्लियर दाब देते हैं तो वो हमारा चाइल्ड लॉक हट जाता है। लेकिन हार्ड लॉक के लिए हम कुछ भी ट्राई करेंगे ये नहीं हटेगा। ये एक प्रकार का सेंट्रलाइज्ड लॉक है। आप इसके नीचे साइड पे भी देख सकते हैं सेंट्रल लॉक लिखा हुआ होगा, सेंट्रल कंट्रोल यहाँ देख सकते हैं, और सेम सिंबल यहाँ पर भी आ रहा है। तो जब ये सेंट्रलाइज लॉक लगता है तो हम कितना भी अपनी तरफ से कोशिश कर लेंगे ये ओपन नहीं होगा। ये बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिमोट्स भी आते हैं। किसी में सेटबैक का भी बटन होता है, और जिसमें सेटबैक का ऑप्शन नहीं होता है उसमें ऑपरेशन मोड का होता है। लेकिन ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब आपका चाइल्ड लॉक लगा हो, तब आप चाइल्ड लॉक के जो ओपन का प्रोसेस है उससे कर सकते हैं। लेकिन हार्ड लॉक को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम रिमोट के जस्ट पीछे तरफ जाएंगे इसको ओपन करके, तो हमें एक रीसेट का बटन आएगा, उसको हमको प्रेस करना होता है, और प्रेस करके कुछ देर हम होल्ड रखेंगे। सबसे पहले हम रिमोट को ओपन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बटन है जो कि रीसेट बटन है। तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे, 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको प्रेस करेंगे। ये बटन, ये इसको हमको प्रेस करना है। आप इसके वायरिंग भी चेक कर सकते हैं, वायरिंग सही है कि नहीं। फिलहाल हम बटन को प्रेस करेंगे, और प्रेस करते ही देखिए आपको 88 का डिस्प्ले आएगा स्क्रीन पे। इसका मतलब हमारा रिमोट जो है रीसेट हो चुका है। अब हम रिमोट को अपने जगह पे लगा देंगे। उसके बाद वो थोड़ा समय लेगा, 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम लेता है। उसके बाद हमारा ये जो थर्मोस्टेट है वो रीसेट हो जाता है। तो हम वेट करेंगे, हम प्रेस करके देखेंगे। देखिए अभी भी रीसेट नहीं हुआ है, 10 से 15 सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये इसका ओपन हो गया हार्ड लॉक। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और सारे के सारे बटन भी हमारे प्रेस होंगे और काम करेगा। ये सेटिंग का बटन भी हमने प्रेस करके देखा, वो भी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं सेट क्लियर। इससे हम चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम चाइल्ड लॉक नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ से आप चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हैं। ये देखिए आप यूनिट को ऑफ भी कर दिया हमने। बेसिक हमारा कंसर्न था कि टेम्परेचर ना कम हो रहा था ना ज़्यादा हो रहा था, किसी एक टेम्परेचर पे सेट करके हार्ड लॉक कर दिया गया था। तो इसी टाइप से हम हार्ड लॉक को ब्रेक करेंगे, और आप देख सकते हैं कि फ़ैन भी हमारा वर्क कर रहा है। हम चाहें तो हाई स्पीड, नॉर्मल स्पीड, या फिर लो स्पीड पे भी रख सकते हैं।
थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।